हेलो बेटा बेटा, आज हम आपकी जीके की बुक है, ये देखिए जीके की बुक। ठीक है बेटा, इसका हम लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 11। और ये हमारे इस लेसन का चैप्टर का नाम क्या है? द फ्रूट बास्केट। क्या है हमारा? द फ्रूट बास्केट। फ्रूट का मतलब क्या होता है बेटा? फल। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल। और बास्केट का मतलब होता है टोकरी। ठीक है बेटा, आप इसमें देखेंगे आपकी इसमें कुछ फ्रूट बने हुए हैं, कुछ फ्रूट्स की इन्होंने पिक्चर दे रखी। और ये देखो बीच में बास्केट बनी ना, इसके अंदर क्या रखे हुए हैं? फ्रूट्स रखे हुए। क्या रखे हुए बेटा? फ्रूट्स। और हमारे को क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिल अप द क्रॉस वर्ड विद द नेम्स ऑफ द फ्रूट कैप्ट इन द फ्रूट बास्केट। आपने इस क्रॉस वर्ड को पूरा करना है, फिल करना है। और इसमें जो हमारे को फ्रूट्स दे रखे हैं उनके नाम से, उनकी स्पेलिंग से हमने इसको क्या करना है? क्रॉस वर्ड को फिल करना है, यानी कि पूरा करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो वाटरमेलन है, एप्पल है, ऑरेंज है, पीच है, ग्रेप्स है, चेरी है, एप्रिकोट है। ये सारी पिक्चर आपने देख ली बेटा। अब हम सबसे पहले यहाँ वन पर आएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पिक्चर देख रहे हैं वाटरमेलन की। किसकी देख रहे हैं? वाटरमेलन की। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहला बॉक्स जो खाली है यहाँ पर हम लिखेंगे W। A लिखा हुआ है हमारे पास, WATER बन गया वाटर, MELON वाटर मेलन। क्या बन गया हमारा? वाटर मेलन। तो ये पूरा क्रॉसवर्ड हमारा फिल हो गया। इसके बाद बेटा आप दूसरी पिक्चर देखेंगे, क्या स्पेलिंग है? P और लास्ट में CH। अब ये हमारा फ्रूट है पीच। क्या है? पीच। तो स्पेलिंग आएगी PEACH, PEACH। हमारा क्या बन गया? फ्रूट पीच। तीसरे में आप बेटा देखेंगे कौन सी पिक्चर बनी हुई है? एप्पल की। किसकी बनी हुई है? एप्पल की। और पहले कौन सा अल्फाबेट लिखा है? ए। और बीच में लिखा है एल। तो स्पेलिंग क्या आएगी? APPLE। क्या स्पेलिंग आएगी? APPLE। क्या बन गया हमारा? एप्पल। ठीक है बेटा, अब फोर में हम देखेंगे कौन सी पिक्चर बनी बेटा? ग्रेप्स की। किसकी बनी हुई है? ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है? GREPES। ठीक है बेटा, GREPES हमारा बन गया ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे नीचे आएंगे फोर पे। फोर पे अब हम देखेंगे हमारा बन गई पिक्चर ग्रेप्स की। उसके बाद हम आएंगे बेटा फाइव पे। फाइव पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? ऑरेंज की। किसकी बनी है? ऑरेंज की। तो ऑरेंज की हम क्या स्पेलिंग लिखेंगे? ओ लिखा हुआ है हमारे पास, हम लिखेंगे RANGE। क्या लिखेंगे बेटा? ORANGE। हमारा क्या बन गया? ऑरेंज। क्या बन गया? ऑरेंज। और आप सभी जानते हो बेटा ऑरेंज एक फ्रूट भी होता है और एक कलर का नेम भी क्या आता है? ऑरेंज। क्या आता है? ऑरेंज। ठीक है बेटा, अब है देखो सिक्स पे। देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा मगर बीच में पी लिखा और नीचे पिक्चर बनी हुई है। ये क्या स्पेलिंग है? एप्रिकॉट। किसकी स्पेलिंग है ये? एप्रिकॉट की। APRICOT। क्या बना बेटा? APRICOT, एप्रिकॉट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सेवन नंबर पे। सेवन नंबर पे बेटा किसकी पिक्चर बनी? चेरी की। किसकी पिक्चर बनी है? चेरी की। CHERRY। ठीक है बेटा, CHERRY। क्या बन गया? चेरी। क्या बन गया बेटा? चेरी। तो बेटा आपने देखा हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं हमारी बास्केट में? वाटरमेलन, एप्पल, पीच, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्रिकोट और चेरी। ठीक है बेटा, और आप सभी जानते हो ना बेटा हमारे लिए फ्रूट्स कितने अच्छे होते हैं? हमारी सेहत के लिए फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है, ये हमें हेल्थी रखते हैं। साथ ही साथ बेटा ये हमें क्या करते हैं? बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। हमारे शरीर को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो डेली हम लोगों को कोई एक भी फ्रूट क्या करना चाहिए बेटा? डेली खाना चाहिए। हमें अपने डेली रूटीन में एक फ्रूट्स को खाने की क्या बनानी चाहिए? आदत बनानी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपने इस क्रॉसवर्ड को बेटा बुक में फिल करना है। इसके बाद बेटा आपने इसको बुक में फिल करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द वेजिटेबल गार्डन। क्या है बेटा हमारा? द वेजिटेबल गार्डन। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जी। और गार्डन का मीन्स बगीचा।
सब्जियां हमारे बगीचे में उगती है ना बेटा, आपने देखा होगा। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम द वेजिटेबल गार्डन। इसमें बेटा सबसे पहले आपको एक क्लू दिया गया है, आई एम पर्पल एंड पिंक इन कलर एंड मेक यू क्राई व्हेन यू कट मी। सबसे पहले मैं उसने देखो एक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने एक हमें क्लू दिया, एक हमारे को पूछ रहा है कि मैं पर्पल कलर का हूँ, पर्पल और पिंक कलर में हूँ, और जब आप मुझे कट करते हो यानी कि काटते हो तो आप क्राई करते हो यानी कि रोते हो। तो बेटा ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे जब मम्मा काटती है और आप मम्मा के पास खड़े होते हो तो जब वो छीलती हैं उसको काटती है तो आपको रोना आ जाता है, क्या होती है वो बताओ बेटा? अनियन। क्या होती है? अनियन। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है बेटा? ओ एन आई ओ एन, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपका है आई एम राउंड एंड रेड, यू एंजॉय ईटिंग मी इन सैलेड्स बट वेजिटेबल्स आर बेस्ट कुक इन माई ग्रेवी आई एम ए डैश। देखो बेटा किसकी पिक्चर बनी हुई है? टोमेटो की। किसकी बनी हुई है? टोमेटो की। वो क्या कह रहा है? आई एम ए राउंड एंड रेड, मैं राउंड में हूँ और रेड कलर में हूँ, आप लोग मुझे बहुत इंजॉय के साथ सैलेड में खाते हो। जब मम्मी रातों खाने में सैलेड बनाती हो तो आप खाते हो ना टमाटर, लेकिन सब्जियों में क्या होती है, सब्जियां जो होती हैं बेटा बिना टमाटर के टेस्टी नहीं बनती, उसकी ग्रेवी नहीं आती है। तो आपने यहाँ पर क्या आंसर फिल करना है? टोमेटो। क्या करना है? टोमेटो। द फेरी गॉड मदर कन्वर्टेड मी इंटू अ कैरिज फॉर सिंड्रेला आई एम, पूछ रहा है द फेरी गॉड मदर, जो परी की गॉड मदर आई थी उसने सिंड्रेला को कैसे कन्वर्ट कर दिया था बेटा, किसमें क्या था? पंपकिन में। तो यहाँ हम आंसर क्या लिखेंगे? पंपकिन, पी यू एम पी के आई एन। क्या बन गया बेटा? पंपकिन। क्या बन गया बेटा इसमें, क्या आपका आंसर आएगा? पंपकिन। आई एम थिन एंड लॉन्ग, मोस्ट चिल्ड्रन इंजॉय ईटिंग मी, ठीक है बेटा। वो क्या कह रहा है? आई एम ए थिन, मैं पतली और लंबी हूँ, ज़्यादातर बच्चे मुझे बहुत खुश होकर खाते हैं, इंजॉय करके खाते हैं। आई एम ए, कौन सी वेजिटेबल है बेटा ये? लेडी फिंगर। कौन सी है बेटा ये? लेडी फिंगर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर भरेंगे आप? लेडी फिंगर का। आई वेयर ए क्राउन ऑन माई हेड आई एम ए, ऐसी कौन सी सब्जी होती है बेटा जिसके सर पर ताज होता है, किसके सर पे क्राउन लगा होता है? ब्रिंजल के। किसके? ब्रिंजल के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ब्रिंजल यानी कि बैंगन। क्या सब्जी आएगी यहाँ पर बेटा? बैंगन, जिसके सर पे क्या लगा होता है? ताज लगा होता है। आई एम स्मॉल बट वेरी शार्प इन टेस्ट आई मेक यू क्राई व्हेन यू ईट मी आई एम, उसने क्या लिखा है? मैं छोटी होती हूँ बट बहुत तेज होती हूँ स्वाद में, आई मेक यू क्राई, और क्या करती है जब उसको खाते तो क्या आ जाता है हमारे को, आंखों से क्या निकलने लग जाते हैं? आंसू आने लग जाते हैं, हमें बहुत रोना सा आ जाता है। क्या है वो? ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च। जब आप लोग कभी हरी मिर्च खा लो तो क्या लगता है आपको? बहुत ही मिर्ची लगती है, और मिर्ची के मारे कई बार आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं ना, तो इस तरह आएगा बेटा ग्रीन चिली। लीफ इनसाइड ए लीफ एंड लीफ इनसाइड ए लीफ आई एम अ डैश, ऐसी कौन सी वेजिटेबल होती है बेटा जिसमें से हम पहले ऊपर से लीफ एक पत्ता हटाते हैं, फिर उसके अंदर फिर पत्ता होता है, उसके अंदर फिर पत्ता आता है? कैबिज यानी कि पत्ता गोभी, जिसे बंद गोभी भी कहते हैं बेटा। ये ऐसी सब्जी होती है बेटा, इसके अंदर कितने लीव्स होते हैं ना, पहले ऊपर लीफ हटाओ निकालो, फिर अलग से लीफ निकालो, फिर लीफ निकालो। तो बेटा ये हमारी होगी कैबिज, पत्ता गोभी। सबसे पहले में बेटा आपका आंसर आएगा अनियन, सेकंड में टमाटो, थर्ड में आएगा पम्पकिन, फोर में आएगा लेडी फिंगर, फाइव में आएगा ब्रिंजल, सिक्स में आएगा ग्रीन चिली, और सबसे लास्ट में आपने कौन सा आंसर फिल करना है बेटा? कैबिज। कौन सा आंसर फिल करना है बेटा? कैबिज। बेटा इसके आंसर आपने बुक में फिल करने हैं, ठीक है बेटा, इसके आंसर आपने बेटा बुक में फिल करने हैं, और जो आपका लेसन नंबर 11 है इसके आंसर भी आपने बुक में फिल करने हैं, मगर आपने अपनी कॉपी में कोई भी पांच फलों के नाम लिखने हैं और उसके साथ उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है। क्या करना है बेटा? आपने उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है। थैंक यू बेटा।